हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं और इस स्वास्थ्य की खोज में हम चाहते हैं हमें कुछ ऐसा मिरेकुलस फूड मिले जो कि हमारे स्वास्थ्य को और भी अच्छा कर दे। पर नेचर ने हमें एक ऐसा छोटा सा नट शेल यानी कि एक छोटी सी पैकेजिंग में हमें एक ऐसा फूड दिया है जिसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल हैं और जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नट्स के बारे में। नट्स इन अ जनरल बहुत अच्छे सोर्स हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। साथ साथ जितने भी नट्स हैं उन सब में विटामिन ई होता है और साथ साथ जिंक होता है। विटामिन ई और जिंक बहुत ही अच्छा है आपकी स्किन के लिए। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अच्छे हैं आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए यानी कि आपके हार्ट के लिए। अगर हम ओमेगा 3 फैटी एसिड नट्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं तो हमारा LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है और ट्राइग्लिसराइड जो कि वैक्सीन मटेरियल है वो दोनों कम हो जाते हैं। तो अच्छे हार्ट के लिए, स्वस्थ हार्ट के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए नट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो कि आपकी डाइट में ज़रूर शामिल होने चाहिए। एलमंड्स अगर आप 7 to 10 दिन में कंज्यूम करते हैं तो वे बिल्कुल राइट मात्रा है आपके लिए। एलमंड्स एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, साथ साथ एक रिच सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स के। एलमंड में कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके LDL को और ट्राइग्लिसराइड यानी कि जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको वो कम करते हैं। इसलिए दिन में 7 to 10 एलमंड ज़रूर कंज्यूम करिए। एलमंड्स की जो स्किन है उसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर होता है, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप बादाम कंज्यूम कर रहे हैं तो आप उसको बादाम की स्किन के साथ ही कंज्यूम करिए। फिग्स यानी कि अंजीर। अंजीर एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का, साथ साथ फाइबर का। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है यानी कि कब्ज़ की शिकायत रहती है तो आप फिग्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कब्ज़ की शिकायत दूर हो जाती है। लेडीज़ में स्पेशली देखा गया है कि उनमें आयरन की कमी रहती है, तो अगर आप फिग्स इस्तेमाल करते हैं और डेली आप 1 से 2 फिग्स इस्तेमाल करते हैं तो जो आपकी आयरन की कमी है उसको भी दूर किया जा सकता है। फिग्स को लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप गर्म दूध के कप में फिग्स को बॉयल करिए और रात को सोने के समय आप 1 कप दूध और 2 फिग्स इस्तेमाल करिए, जिससे आपकी आयरन की कमी भी पूरी हो जाए साथ साथ आपकी कब्ज़ की शिकायत भी दूर हो जाए। अखरोट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का। ये दोनों फैटी एसिड आपकी हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। वॉलनट में एक स्पेशल बात है इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ यानी कि दर्द को दूर भगाने की क्षमता। जो भी लोग घुटने के दर्द से परेशान हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट्स यानी कि जितनी भी दर्द की, घुटने के दर्द की परेशानियाँ हैं, अगर आप वो दूर करना चाहते हैं तो दिन में 4 से 5 अखरोट ज़रूर इस्तेमाल करिए। इसके अलावा जो अखरोट हैं वो आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बहुत चुस्त दुरुस्त और आपकी स्मृति जो आपकी मेमोरी अच्छी रहे तो आप वॉलनट्स का भी डेली इस्तेमाल करिए। नट्स का कंजम्पशन हमें डेली करना चाहिए, लेकिन नट्स की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी एक क्वेश्चन है जो हर इंसान पूछना चाहता है। आप अपनी मुट्ठी के हिसाब से नट्स कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि 1 हैंडफुल नट्स एक पर्सन के लिए एक दिन की क्वांटिटी बिल्कुल सही है। अगर एक बच्चा है तो ऑब्वियसली उसकी उसकी मुट्ठी में कम नट्स आएंगे, तो उसी मात्रा में आप नट्स को कंज्यूम करिए। तो नट्स को डेली इस्तेमाल करिए, बट याद रखिए वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो आप जब भी दिन में जो भी नट्स खा रहे हैं उनको मिक्स नट्स खाइए, यानी कि बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, इन सब को मिक्स करके खाइए। लेकिन याद रखिए कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी मत खाइएगा, किसी भी चीज़ की ओवर डोजेज लेना भी नुकसान करता है। तो इसी नोट पर हम ये बात ख़त्म करते हैं कि नट्स को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करिए।